ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो थोड़ा सा सीरियस होने वाला है। जो लोग कारिक स्ट्रीट को खेल रहे हो उन लोगों के लिए तो स्पेशली ये वीडियो होने वाला है, तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखना। और जिन लोगों का गेम में अकाउंट बैन हो चुका है बिना कोई रीज़न के, वो भी लोग इस वीडियो को देखना। हो सकता है मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। तो आज जब मैं गेम में ग्राइंड कर रहा था एक स्पेशल सरप्राइज के लिए तुम लोगों के लिए मैं बना रहा था, तभी थोड़ी देर बाद जब मैं गेम रिस्टार्ट करता हूँ तब मुझे एक बैन का नोटिस आ जाता है। ये देखने के बाद मैं लिटरली पागल हो चुका था। मैं सोचा था क्या करूँ, क्या हो गया, मैंने क्या गलत कर दिया। तो मैंने फिर से गेम को रीओपन किया और तब भी मेरे पास यही सेम एरर आ रहा था। जब मैंने ये चीज़ देखा मैं समझ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम हो चुका है। तो मैंने सिंपली वहाँ पर एक चीज़ आ रहा था रिपोर्ट करके कुछ, या फिर कॉन्टैक्ट अस का, तो वहाँ पर मैंने क्लिक किया, उन लोगों के साथ मैंने कॉन्टैक्ट किया और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा गेम का अकाउंट क्यों बैन कर दिया गया है, क्योंकि मैंने कोई भी हैक नहीं यूज़ किया, मैंने कोई भी चीट नहीं यूज़ किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, फिर भी क्यों मेरा गेम अकाउंट बैन कर दिया गया है। तब थोड़े टाइम बाद उन लोग का एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आता है, जहाँ पे उन लोग का कहना है कि मैंने तुम्हारे आरजे भाई ने चीटिंग यूज़ किया है कारिक स्ट्रीट के अंदर, जिस कारण की वजह से वो लोग मेरे अकाउंट को बैन कर चुके हैं और ये बैन शायद कभी भी नहीं हटेगा। ये पढ़ने के बाद मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि मैं कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाया था। तब मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, ध्यान से सोचा, फिर मैंने लिखा कि सर मेरा नाम है आरजे, मेरे पास एक छोटा सा चैनल है, एक छोटा सा फैमिली है, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और मेरे चैनल में सारे के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, पूरा चेक कर सकते हैं, और आप चाहे तो मेरे गेम के जितने भी फाइल्स हैं वो भी चेक कर सकते हैं। मैंने कभी भी कोई भी हैक नहीं यूज़ किया है। और देन मैं इस मेल को सेंड कर देता हूँ। अब कुछ टाइम के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो मेरा अकाउंट है वो चला गया, जो मैं सरप्राइज प्लान कर रहा था इतना मेहनत करके वो चला गया। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता मुझे क्या करना है। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया था और काफ़ी लोगों का ये कमेंट भी आया कि भाई अब क्या करोगे, कैसे अनबैन करोगे, क्या तुम कारिक्स खेलोगे या फिर नहीं। तो मैंने सोच तो लिया था कि मैं एक नया अकाउंट बना के फिर इसे रिस्टार्ट करूँगा, लेकिन तभी हो जाता है चमत्कार। एक नया मैसेज वहां पे आता है और वो लिखा हुआ होता है कि योर अकाउंट हैज बीन अनब्लॉक्ड। मैं देखने के बाद इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मैंने फिर भी अपने एक्साइटमेंट को काउंट डाउन किया और मैंने गेम को इंस्टॉल किया, क्योंकि मैं गेम को अनइंस्टॉल कर चुका था, क्योंकि मुझे पता था मुझे वीडियो तो डालना ही है किसी भी गेम के ऊपर, तो ये गेम अगर चला गया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसका, तो इसीलिए मैं अनइंस्टॉल कर दिया था। लेकिन मैंने इंस्टॉल किया उस गेम को और उसके बाद फाइनली वो टाइम आया जब मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन किया, और जब मैंने लॉगिन किया वो खुल गया, वो एक्चुअली खुल गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने वेट किया, गेम पूरा लोड हुआ। जब गेम में मैं गया और मुझे अपना पूरा का पूरा बैलेंस, पूरा का पूरा अकाउंट, पूरा मेहनत वापस मिला, उसके बाद मैं जो खुश हुआ मैं क्या बताऊँ। और इसीलिए मैं इस वीडियो को भी बना रहा हूँ। तो देखो, जितने भी लोगों का गेम अकाउंट बिना कोई रीज़न के कुछ मतलब ऐसे ही बैन कर दिया गया है, तो तुम लोग उनके कॉन्टैक्ट अस में जाओ, उनसे कहो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, क्यों उन लोगों ने बैन कर दिया है, और तुम अपना रीज़न भी दो कि भाई मैंने कुछ भी यूज़ ही नहीं किया है तो क्यों बैन कर दिया गया है। और मेरा ये मानना है कि कारिक्स वाले डेफिनेटली तुम्हें रिस्पॉन्स भी करेंगे, और अगर तुम सही हो, कभी भी तुमने कुछ भी गलत चीज़ नहीं किया है, तो वो लोग तुम्हारा अकाउंट अनबैन भी कर देंगे। तो यही वीडियो था और आई होप इस वीडियो से तुम लोगों को थोड़ा बहुत चीज़ें पता चल गया होगा। अब फ्यूचर में क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के लिए मैं कारिक्स के टीम को दिल से और हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो मैं पार्टी तो नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं प्लान तुम्हारे लिए कर रहा था, इतना मेहनत कर रहा था, जो सरप्राइज था वो उन लोगों ने बचा लिया है, वरना तो मुझे नहीं पता क्या होता। तो ये वीडियो इतना ही था, आशा करता हूँ तुम लोगों को ये न्यूज़ सुन के अच्छा लगा होगा। जो भी लोग कॉन्सर्न थे टेंशन मत लो, वीडियोस रेगुलर आएंगी, कारिक स्ट्रीट हम दबा के खेलेंगे। जब तक इतने बढ़िया कंपनी हो, ऐसे खतरनाक लेवल का सपोर्ट हो, तब तक हमें क्या ही बात के, किस बात के डरने। तो गाइस चलता हूँ मिलिंग सिंह के साथ में, तब तक के लिए वीडियो।